ऑफ एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और जब भी ये बॉडी एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स बनती है तो जब बॉडी घूमेगी तो सारे उसके पार्टिकल्स सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेंगे, और सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेंगे तो सभी के लिए रेडियस अलग अलग होगी, सेंटर एक होगा और वेलोसिटी सभी के लिए अलग होगी और एंगुलर वेलोसिटी सबके लिए सेम होगी। ये चीज हमेशा के लिए ध्यान में रखनी है, क्लियर? कौन सी चीज ये एमसीक्यूज में भी पूछा जाता है। देन द बॉडी परफॉर्मिंग रोटेशनल मोशन, इस पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन। जब बॉडी क्या परफॉर्म करेगी, रोटेशनल मोशन, तो उसके पार्टिकल क्या परफॉर्म करेंगे, सर्कुलर मोशन। अगर ये आपके दिमाग में बहुत अच्छे से नहीं बैठ रहा हो तो आप एक फैन का एग्जांपल ले सकते हैं। तो फैन में जो ब्लेड्स है, जो तीन ब्लेड्स होंगी, वो प्लेट तीन ब्लेड के ऊपर आप खुद बैठ जाइए, और जब वो फैन घूमेगा तो फैन क्या परफॉर्म कर रहा है, रोटेशनल मोशन, और आप क्या परफॉर्म करेंगे, समझ में आ गया? सो दिस इज द डिफरेंस। पूरा का पूरा फैन रोटेशनल मोशन परफॉर्म करेगा, जैसे हमारा जो मीना बाजार वजार में है ना, वो क्या होता है, आकाश पढ़ना होता है, आकाश झूला होता है, तो आकाश झूले आकाश झूला क्या परफॉर्म करता है, सर्कुलर मोशन। बट वहां बैठे हुए लोग क्या परफॉर्म करते हैं, सॉरी वो रोटेशनल मोशन, उसके अंदर बैठे हुए इंसान क्या परफॉर्म करेगा, सभी के लिए रेडियस क्या रहेगी, अलग, बट सेंटर सभी के लिए क्या रहेगा, एंगुलर वेलोसिटी सबके लिए क्या रहेगी, सेम, लीनियर वेलोसिटी सभी के लिए क्या रहेगी, अलग। इतना क्लियर है, ठीक है? चलिए तो हम लोग बात करते हैं रोटेशनल डायनामिक्स की। रोटेशनल डायनामिक्स मतलब रोटेशनल होते समय में आपको जो भी डायनामिक्स का स्टडी करना होगा, तो इट इज कॉल्ड एज रोटेशनल डायनामिक्स। अब रोटेशनल डायनामिक्स में सबसे पहले दो मोशन हम लोग पढ़ते हैं। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन का नाम है लिनियर मोशन, याद होगा तीन प्रकार के मोशन एग्जिस्ट करते हैं, लिनियर मोशन, वाइब्रेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन। लिनियर मोशन के बहुत सारे नाम भी मैंने बताया थे, याद होगा तो ट्रांसलेशनल, ट्रांसलेटरी और रेक्टिलिनियर याद है, ठीक है? और एक मोशन होता है रोटेशनल, और रोटेशनल मोशन को एंगुलर मोशन भी कहते हैं हम लोग। तो दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस टू मोशंस, लीनियर मोशन और रोटेशनल मोशन। लीनियर मोशन और रोटेशनल मोशन का कॉम्बिनेशन है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, रोटेशनल डायनामिक्स। इसका मतलब यह है कि इट इज दिस टॉपिक, दिस लेसन इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, लीनियर मोशन एंड रोटेशनल मोशन। तो लीनियर मोशन को रेक्टिलिनियर मोशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, रेक्टिलिनियर मोशन। अगर मान के चलते हैं कि कोई बॉडी है और ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है, ठीक है, ये बॉडी अगर सर्कुलर मोशन परफॉर्म करिए, कंसीडर दिस इज अ बॉडी एंड इट इज परफॉर्मिंग द सर्कुलर मोशन। सो कंसीडर दिस इज अ सर्कल एंड दिस इज अवर सेंटर, तो ये होगी उसकी रेडियस, ठीक है? बहुत सारी चीजें हम लोगों ने इसके पहले पढ़ चुके हैं, 11th स्टैंडर्ड में हमारा बहुत सारा टॉपिक इसका कंप्लीट हो चुका है सर्कुलर मोशन का। दो प्रकार के सर्कुलर मोशन होते हैं, एक याद है कि तुम लोग, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी क्या होगी, उसको हम लोग बोलते हैं स्पीड कांस्टेंट हो जाएगी उसकी। और एक मोशन जहां पे वेलोसिटी कांस्टेंट या स्पीड कांस्टेंट नहीं होती, उसको क्या कहते हैं हम लोग, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मान के चलिए कि भैया ये ऑब्जेक्ट है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो ये आर जो है और ये जो सेंटर रहेगा, वेयर आर इज अ रेडियस वेक्टर, याद होगा आर को क्या कहते हैं हम लोग, वेयर आर इज अ रेडियस वेक्टर। एंड व्हाट इज रेडियस वेक्टर, द वेक्टर ड्रॉ फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, सो दैट इज कॉल्ड एज रेडियस वेक्टर। उसको हम लोग रेडियस वेक्टर कहते हैं कि भैया एक वेक्टर जो कहां से निकाला जाएगा, सेंटर ऑफ द सर्कल से, कहां तक निकाला जाएगा, पोजीशन ऑफ द पार्टिकल तक, क्लियर? और ये पोजीशन ऑफ द पार्टिकल है कहां पे, ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, इसको क्या कहते हैं हम लोग, रेडियस वेक्टर। तो एक बेसिक चीजें हमारी पहले हो चुकी है, मैं यहाँ पे थोड़ी सी अपनी स्पीड को बढ़ा देता हूँ क्योंकि ये पहले भी हमारा हो चुका है, ठीक है? तो रेडियस वेक्टर का और एक नाम है, रेडियस वेक्टर का और एक नाम है पोजीशन वेक्टर। रेडियस वेक्टर का और एक नाम क्या है, इट मींस दैट ये रेडियस वेक्टर करता क्या है, रेडियस वेक्टर, दिस रेडियस वेक्टर इज आल्सो कॉल्ड एज पोजीशन वेक्टर। इट मींस दैट कि दिस शोज दैट द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल या पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट कहां पे, ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल के ऊपर ऑब्जेक्ट कोई भी पोजीशन पे हो तो वो उसका पोजीशन बताने का काम जो करता है उसको कहते हैं हम लोग पोजीशन वेक्टर। एंड दैट पोजीशन वेक्टर इज कॉल्ड एज आल्सो रेडियस वेक्टर। Clear? So it means that this R vector is called as a radius vector and it shows the position of the particle on the circumference of the circle. And what is radius vector? The vector draw from center of the circle to the position of the particle and on the circumference of the circle. So that is called as radius vector. Clear? अगर मान के चले कि ये initial position है, हम लोग इसको A से denote कर ले कि after a certain amount of time and it is performing a circular motion with a constant angular velocity omega. याद है ना? कि अगर ये कॉन्स्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ में अगर घूम रहा है तो ये अगर मान के चलते कि इनिशियल पोजीशन है, आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम अगर ये यहां आके रुक गया तो मान
36 का बी फाइनल पोजीशन है, बी का इसका फाइनल पोजीशन। तो यहाँ से यहाँ तक फिर से इसका रेडियस वेक्टर निकालना पड़ेगा। सो इट मींस दैट अगेन इट शोज द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, बट दिस पोजीशन इज एट द बी, वेयर बी इज योर फाइनल पोजीशन। बी क्या है आपका फाइनल पोजीशन, वेयर ए इज योर इनिशियल पोजीशन। क्लियर? अब यहाँ से देखते हैं कि आप हम लोग ने एक चीज फिर से देखा था, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है ना। डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेडियस वेक्टर। डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी क्या होती है? परपेंडिकुलर। किसको परपेंडिकुलर होती है? रेडियस वेक्टर को हमेशा परपेंडिकुलर होती है डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। द मीनिंग ऑफ डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, अगर मान के चलो आपके हाथ में बॉल है और मैं भैया ऐसे इसको कंटिन्यूअसली घुमा रहा हूँ, तो ये जो चीज कही जाएगी दिस इज कॉल्ड एज रेडियस, और जहां से घूम रहा है वो क्या कहा जाएगा? उसका सेंटर। अगर मैंने यहाँ से बॉल को रिलीज कर दिया एंड इट इज रोटेट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अगर यहाँ से मैंने बॉल छोड़ा तो यहाँ से एक्जैक्टली रेडियस वेक्टर को परपेंडिकुलर बॉल ऊपर जाएगा। बात समझ में आ रही है? सो दैट इज कॉल्ड एज रेडियस वेक्टर। सिंपल सी बात है, अगर मेरे को बॉल इधर फेंकनी है, अगर मेरा मोशन हाथ का मोशन कुछ ऐसे जा रहा है, तो मेरे को रिलीज कहां से करना पड़ेगा? यहां से। ठीक है, अगर यहां से रिलीज किया तो बॉल ऊपर जाएगी। ठीक है, मेरे को बॉल ऊपर नहीं फेंकनी है, तो मान के चलो मेरे को बॉल इधर फेंकनी है, तो मेरा रिलीजिंग पॉइंट कहां से होगा? यहां से। ठीक है, सो व्हेन आई एम रिलीजिंग दैट बॉल फ्रॉम दिस पोजीशन, तो यहां से सीधा भाग जाएगा। क्लियर? सो दैट इज कॉल्ड एज, जो भागने की डायरेक्शन होती है उसको क्या कहते हैं हम लोग? डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। क्या कहते हैं उसको? क्लियर? अगर मेरे को बॉल भी पीछे फेंकनी है यहां से, बिल्कुल यहां से इधर, तो मेरा रिलीजिंग पॉइंट कैसे कहां से होना चाहिए? ऊपर से, यहां से। अगर मैंने यहां से छोड़ दिया बॉल, सीधा इधर जाएगा वो, और जैसे बॉल सीधा इधर गया तो दिस इज व्हाट? डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू व्हाट? रेडियस वेक्टर। एंड रेडियस वेक्टर इज आल्सो कॉल्ड एज पोजीशन वेक्टर। क्या इतना क्लियर है? चलिए सामने चलते हैं। डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेडियस वेक्टर। तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी पोजीशन वेक्टर से ली जाती है, तो ये होगी इसकी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। मेक श्योर दैट ये डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी शुड बी परपेंडिकुलर टू द रेडियस वेक्टर एंड दिस शुड बी एंगल शुड बी 90। और ये वेलोसिटी है, आया ए से है, इसलिए वी सफिक्स की कहा है। सो वेयर वी सफिक्स ए इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। क्लियर? यहां से बॉल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से घूम रही है, तो अगर मैं यहां से इसका डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी निकालूं, तो क्या यहां से एक्जैक्टली ये रेडियस वेक्टर को परपेंडिकुलर इधर निकालनी पड़ेगी? ऐसे निकालनी पड़ेगी ना। ठीक है, चलिए ये क्या हुआ इसका? डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी है इसलिए v, आया कहां से? v, एंड व्हाट इज v हियर? फाइनल पोजीशन। v क्या है आपका? सो वेयर vb इज अ फाइनल डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी फ्रॉम द पॉइंट v, और v क्या है आपका? फाइनल पोजीशन। अच्छे से देख, यहां से जब ऑब्जेक्ट a से लेके b तक गया तो इसने कुछ तो एंगल बनाया हुआ। सो दिस एंगल इज कॉल्ड एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगल को क्या कहते हैं हम लोग? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज डिफाइंड एज, व्हाट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? द एंगल डिस्क्राइब बाय द रेडियस वेक्टर। एंगल डिस्क्राइब बाय रेडियस वेक्टर। कहां से एंगल डिस्क्राइब करते हैं? फ्रॉम द सेंटर ऑफ द एंगल डिस्क्राइब बाय द रेडियस वेक्टर एट द गिवन इंस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, या गिवन इंटरवल ऑफ टाइम फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो यहां से और एक चीज हम लोग सामने पड़ते हैं जिसका नाम क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर, so this is your angular displacement. Angular displacement किसे denote करें हम लोग? theta से। इसे denote करते हैं हम लोग theta से। what is angular displacement? definition for the angular displacement, the angle described by the radius vector. angle described by radius vector at the given instant of time from the center of the circle, at the center of the circle is called as angular displacement. उसको कहते हैं हम लोग angular displacement. ये theta कितना होगा ये किसके ऊपर depend करता है? it is totally depending upon the position of the particle. जो पोजीशन ऑफ द पार्टिकल यहाँ बी है उसी के लिए थीटा ये होगा। अगर मान के चलिए ऑब्जेक्ट फिर से यहाँ से अगर यहाँ आ गया तो क्या थीटा चेंज हो गया? अच्छा यहाँ अच्छे से देख, तो रेडियस वेक्टर जो है, वेक्टर की बात करें हम लोग, रेडियस वेक्टर, तो वेक्टर में क्या डायरेक्शन होना कंपलसरी है? रेडियस वेक्टर का डायरेक्शन तो बदल रहा है बट मैग्नीट्यूड कैसे? रेडियस का मैग्नीट्यूड बदल रहा है क्या? नहीं, बदल क्या रहा है? डायरेक्शन। क्या बदल रहा है यहाँ पे? इट मींस दैट कि वी आर रेडियस का वेक्टर कंपोनेंट है ये। यहाँ ना होते हुए अगर यहाँ होता तो क्या एंगल चेंज हो जाता? ठीक है, बट डायरेक्शन ऑफ रेडियस वेक्टर क्या ये हो जाती? अच्छा इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड क्या दोनों का सेम होता? बट डायरेक्शन तो बदल गई है। डायरेक्शन बदल गई है ना। जब डायरेक्शन बदल गई है तो इसका मतलब क्या हुआ कि भैया जो रेडियस वेक्टर है, रेडियस वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होता है? सेम। मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होगा? सेम। तो
उसका क्या बदलते हुए जाएगा डायरेक्शन एंड द डायरेक्शन इज टोटली डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन वेक्टर या पोजीशन ऑफ द पार्टिकल या पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द क्लियर सो दिस इज नथिंग बट योर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्लियर अब ए से लेकर के जब बी तक गया तो यहां से यहां तक इसने कुछ तो डिस्टेंस ट्रेवल किया है तो ये डिस्टेंस कौन सा डिस्टेंस कहलाएगा लीनियर की एंगुलर यहां से ये डिस्टेंस लीनियर है कि एंगुलर है लीनियर है कि एंगुलर है वेरी गुड अब ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट है बंधु सर्कुलर मोशन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ लीनियर मोशन ये सेंटेंस ये भूल गया तुम लोग है ना सर्कुलर मोशन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ लीनियर मोशन लीनियर मोशन वो सिर्फ वो नहीं होते जो स्ट्रेट भाग रहे हैं अगर आप चल रहे हो तो लीनियर मोशन है आप दौड़ रहे हो तो लीनियर मोशन है आप गाड़ी पे जा रहे हो तो लीनियर मोशन है बट लीनियर मोशन सिर्फ वो मोशन नहीं होता जो सिर्फ सीधा भागे लीनियर मोशन वो मोशन भी होता है जो कर्व के फॉर्म में भी भागे ऐसे अगर ये मान के चलो ये रोड है ना और आप गाड़ी यहां से लेके हुए आ रहे हो तो आप गाड़ी जैसे टर्न करोगे ऑन द सर्कम ऑन दिस रोड सो दिस इज ऑल्सो लीनियर मोशन जब कोई ऑब्जेक्ट कर्व सरफेस के थ्रू अपना डायरेक्शन बदलता है उसके लिए और एक स्पेशल नाम है बट स्पेशल नाम नहीं बोल सकते हम लोग रेयर चीज में यूज करते हैं हम लोग इसको कर्वी लीनियर मोशन कर्वी लीनियर इसलिए क्योंकि है तो लीनियर मोशन है कौन सा लीनियर बट दिस लीनियर मोशन इज ऑन द कर्व्ड सरफेस कर्व्ड सरफेस में है दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज कर्वी लीनियर मोशन क्या कहते हैं इसको कर्वी लीनियर मोशन तो यहां से जब ऑब्जेक्ट यहां आया तो कौन सा मोशन परफॉर्म किया है लीनियर और कर्व्ड सरफेस पे है तो क्या कहेंगे उसको कर्वी लीनियर मोशन क्या कहेंगे उसको कर्वी लीनियर मोशन सो इट मींस दैट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम ए टू बी ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल सो इट परफॉर्म द लीनियर मोशन एंड दैट लीनियर मोशन इज कॉल्ड एज कर्वी लीनियर मोशन व्हाई इट इज कॉल्ड एज कर्वी लीनियर मोशन बिकॉज दिस ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड ऑन द कर्व्ड सरफेस कर्व्ड सरफेस के ऊपर ये ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हुआ है और मोशन कौन सा है लीनियर और कर्व्ड सरफेस पे होने के कारण इसको कहते हैं हम लोग कर्वी लीनियर मोशन क्या कहेंगे उसको कर्वी लीनियर मोशन सो दैट टर्म्स इज कॉल्ड एज कर्वी लीनियर मोशन इसको कहते हैं हम लोग कर्वी लीनियर मोशन इसीलिए ऑब्जेक्ट ए से लेके जब बी तक जाता है सो इट परफॉर्मिंग द कर्वी लीनियर मोशन इट मींस दैट इट इज अ लीनियर मोशन कौन सा मोशन है ये लीनियर मोशन अगर मैथमेटिक्स के टर्म्स में मैं देखूं तो यहां ए से लेके बी तक ये आर्क लेंथ भी कही जाती है याद ही है इसको सो इट इज कॉल्ड एज आर्क लेंथ एंड योर हियर इज थीटा एंड व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेटिंग द एंगल थीटा थीटा इज इक्वल टू याद है कुछ थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस सो फॉर्मूला फॉर द थीटा टू कैलकुलेटिंग द एंगल थीटा थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्मूला फॉर दिस कैलकुलेटिंग एंगल थीटा रेडियस हम लोग यहां सिर्फ रेडियस ले रहे रेडियस वेक्टर अगर लेंगे तो यहां r वेक्टर बन जाएगा क्लियर सो थीटा इज इक्वल टू s डिवाइडेड बाय r तो यहां से मैं अगर s बना लूं तो क्या हो जाएगा थीटा इनटू या r इनटू थीटा कहेंगे हम लोग इसको क्लियर ठीक है अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या करूं मैं इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएशन बहुत अच्छे से बना चुका हूं तो यहां ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं है ठीक है सो इट्स ds डिवाइडेड बाय r ds divided by dt so this is ds divided by dt और यहाँ constant क्या है r r बदल रहा है क्या नहीं अगर इससे यहाँ radius vector की बात नहीं कर रहा हूँ इस आंदोलन only talking about the radius the meaning of radius is only a magnitude direction नहीं होगी यहाँ radius vector बोला है क्या नहीं vector अगर बोलते तो उसका क्या direction भी आता तो direction position of the particle के ऊपर depend करता है
तो जब पोजीशन ऑफ द पार्टिकल के ऊपर डिपेंड करेगा तो पोजीशन जैसे होगी उसकी डायरेक्शन बदलती हो जाएगी. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली रेडियस, सो वी आर टेकिंग द मैग्नीट्यूड फॉर्म ऑफ द रेडियस. मैग्नीट बदल रहा है क्या? तो मैग्नीट बदल रहा है क्या? अगर मैग्नीट नहीं बदल रहा है तो आर क्या हुआ? कॉन्स्टेंट. आर क्या हुआ? कॉन्स्टेंट. अब जब आर तेरा कॉन्स्टेंट हुआ, सो दिस इज आर इन टू डी थीटा डिवाइडेड बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई डी टी एंड दिस इज डी एस डिवाइडेड बाई डी टी. दिस एस इज व्हाट? लिनियर डिस्प्लेसमेंट. ये कौन सा डिस्प्लेसमेंट है? थीटा इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. थीटा क्या है आपका? और दो चीज हम लोग डिफाइन करते हैं. दो चीज, एक होती है आपकी लिनियर वेलोसिटी, है ना, एक आई है आपकी लिनियर वेलोसिटी, और एक होती है आपकी एंगुलर वेलोसिटी. दिस इज लिनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी. लिनियर वेलोसिटी किससे डिनोट करेंगे? वी से. सब कुछ भूल गए तुम लोग, है ना. और एंगुलर वेलोसिटी डिनोट करते हैं किससे? So S is a linear displacement with respect to time. Theta is angular displacement with respect to time. And the displacement with respect to time is called as velocity. क्या कहते हैं उसको? Velocity. अब जब linear की बात हो रही है यहाँ, linear displacement की बात हो रही है, तो जो velocity इसकी वजह से बनेगी तो उसको कहेंगे हम लोग linear velocity. क्या कहेंगे उसको? Linear velocity. अब यहाँ theta है, theta is your angular displacement. और जब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम आएगा तो हम लोग उसको कहेंगे एंगुलर वेलोसिटी. क्या कहेंगे उसको? एंगुलर वेलोसिटी. और ये वेलोसिटी हमारी वेक्टर क्वांटिटी बनती है, याद है ना सभी को? ये जहां डायरेक्शन मैटर करती है, जहां उसको कहते हैं हम लोग क्या कहते हैं उसको? वेक्टर क्वांटिटी. सो ये लीनियर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी बहुत आ रहा था वेक्टर क्वांटिटी. अगर मैं इसको वेक्टर क्वांटिटी से डिनोट करूं तो वी वेक्टर इज इक्वल टू क्या कहा जाएगा? इट्स डीएस वेक्टर डिवाइडेड बाय डीटी वेक्टर. So again it's a omega vector is equal to again it's a d theta vector divided by d theta vector divided by dt. Clear? अच्छा dt vector हम लोग इसलिए नहीं लिखते क्योंकि जो time होता है वो आपका स्पीड है, ठीक है, और velocity आपकी कौन सी quantity है? Vector quantity है. So it's a d theta vector divided by dt. अगर मैं इसके फॉर्मूले अगर मैं बनाते चलूं कि इफ द s1 इज योर इनिशियल डिस्प्लेसमेंट एंड s2 इज योर फाइनल डिस्प्लेसमेंट, तो यहां हम लोग लिख सकते हैं s2 - s1 डिवाइडेड बाय t2 - t1. क्या ऐसे ही फॉर्मूला लिखा जा सकता है? अगर इसको और एक फॉर्मूला अगर मैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में मैं इसको बदल दूं, याद है ना हम लोग ने इंस्टेंटेनियस फॉर्मूला पढ़ी थी? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोले तो ऐसी वेलोसिटी जो पर्टिकुलर टाइम में वेलोसिटी रिप्रेजेंट करने का काम करती है. एक कोई पर्टिकुलर टाइम हो, अगर मान के चलिए कि अगर हम लोग अगर 10 मिनट में अगर कुछ डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं तो आपका 5वें सेकंड में कितना वेलोसिटी था, 6 सेकंड में आपका कितना वेलोसिटी था, 7th मिनट में आपका कितना वेलोसिटी था, सो दैट टर्म्स इज कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. सिमिलरली फॉर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, अगर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन भी वही चीज होती है जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के टर्म्स में ली जाती है कि भैया एट पर्टिकुलर टाइम पे आपका एक्सेलरेशन कितना था या एट पर्टिकुलर टाइम पे आपका वेलोसिटी कितना था उसको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कहते हैं, ठीक है. तो जो लिनियर वेलोसिटी होता है तो हम लोग अगर मैं उसको इंस्टेंटेनियस में कन्वर्ट कर दूं, अगर मैं इसका इंस्टेंटेनियस ले ले तो इंस्टेंटेनियस क्या कहा जाएगा? इट्स अ लिमिट, याद है ना, लिमिट डेल टी टेंड्स टू जीरो इट्स डेल एस डिवाइडेड बाय डेल टी. वेक्टर के टर्म्स में लेंगे तो कुछ ऐसे होगा, क्लियर. एंड दिस इज लिमिट डेल टी टेंड्स टू जीरो, द मीनिंग ऑफ लिमिट डेल टी टेंड्स टू जीरो स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो, खत्म कहां होगा हम इसकी इमेजिनेशन नहीं कर सकते. वो इमेजिनेशन टोटल डिपेंड करता है कि आप कहां से चालू कर रहे हो और कहां खत्म कर रहे हो. So that is called as instantaneous linear velocity. Similarly, अगर मैं यहाँ से ले लूँ, it's angular velocity. Angular velocity is d theta vector divided by dt. If I am taking theta 1 is my initial angular displacement and theta 2 is a final angular displacement. So it means that it's a theta 2 minus theta 1 divided by t2 minus t1. Clear? और यही अगर मैं instantaneous में बदल दूँ फिर से तो क्या हो जाएगा? It's a limit. Del t tends to zero, it's d del theta divided by del t.
theta divided by L t. So this is for instantaneous angular acceleration. Clear? और वो instantaneous linear velocity. तो similarly हम लोग बस और पढ़ते हैं यहाँ से दो चीज कौन सी भी है, जैसे linear velocity है, angular velocity है, velocity से हम लोग अगर acceleration बनाए तो क्या होगा? Linear acceleration. क्या होगा वो? Linear acceleration. acceleration. और एक्सेलरेशन कौन सी वेलोसिटी, कौन सा एक्सेलरेशन है? लिनियर. तो मेरा वेलोसिटी भी कौन सा आएगा? लिनियर. सो इट्स डीवी वेक्टर डिवाइडेड बाय क्लियर. अब फिर से अगर मैं वी1 और वी2 के टर्म्स में मैं इसको ले लूं, वी1 अगर मेरा इनिशियल लिनियर वेलोसिटी है, वी2 फाइनल लिनियर वेलोसिटी होगा. सो इट्स वी2 माइनस वी1 डिवाइडेड बाय टी2 माइनस. अगर आप इन सभी को अगर वेक्टर टर्म्स में लेना है तो आप इसको ऐसे भी ले सकते हो, कोई इसमें बड़ी बात नहीं होगी. सो इट्स अ v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1. एंड सिमिलरली अगर मैं इसका इंस्टेंटेनियस बनाऊं तो अगेन फिर से क्या होगा? लिमिट डेल्टी टेंड्स टू 0. लिमिट डेल्टी टेंड्स टू 0 का मतलब 0 से चालू होगा, खत्म का होगा, जो चीज आपको दी जाएगी क्रिया की यहां तक अगर खत्म हो रहा है तो उसका फाइनल लिखा जाएगा. सो अगेन इट्स डेल v डिवाइडेड बाय डेल v डिवाइडेड बाय डेल t. ये क्या हो गया तेरा? Instantaneous linear acceleration. क्या कहेंगे हम लोग इसको? Instantaneous linear. और फिर बाद में हम लोग इसका लेते भी हैं, जैसे angular velocity लिया वैसे लेते हैं हम लोग angular acceleration. Angular. चलिए angular acceleration क्या अल्फा से डिनोट करेंगे? Angular acceleration क्या कहेंगे? अल्फा. इसका standard definition क्या बनेगा? Rate of change of angular velocity with respect to. उन्हीं बातें. Rate of change of angular velocity with respect to क्या? अदरवाइज इसको time rate of angular velocity भी कहते हैं इसको. तो time rate of angular velocity with respect to time, so it's angular velocity. अच्छा यहाँ हम तक फिर से ले ले तो formula क्या बनेगा इसका? d omega by dt. क्या बनेगा ये? d omega by vector form में ले ले d omega vector by dt is equals to again फिर से क्या बनेगा आपका? ये ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 डिवाइडेड बाय टी2 माइनस. इतना क्लियर है? चलो इसको वेक्टर फॉर्म में ले लो तो क्या ये दोनों वेक्टर फॉर्म में आएंगे? अच्छा इसका इंस्टेंटेनियस फिर से बना ले तो क्या हो जाएगा? रे लिमिट डेल्टी टेंड्स टू 0 इट्स डेल ओमेगा बाय डेल्टी. डेल ओमेगा बाय डेल्टी. क्लियर है सभी को इतना? अरे क्लियर है क्या? अच्छा चलिए यहाँ से अब मैं यहाँ पे आ जाते फिर से जो चीजें यहाँ भी हम लोग बनाए हुए यही यहाँ से रिलेशन भी बना लेते इसका. सो इट्स ds ds by dt is equal to d theta upon dt. सो भाई ds upon dt क्या बनेगा? v. अबे क्या बनेगा ये? v बनेगा ना. ये s क्या है? लिनियर डिस्प्लेसमेंट. तो इसकी वजह से जो वेलोसिटी बनेगी क्या बनेगी? लिनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू r into omega. सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन लिनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी. रिलेशन किसके बीच का हुआ? लिनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर. ये हो गया लिनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच का रिलेशन. और फिर से मैं इसको डबल डिफरेंशिएट करूं, सो अगेन आई एम डिफरेंशिएटिंग, डिफरेंशिएट अबव इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू t. फिर से विद रिस्पेक्ट टू t कर लो, इट्स dv / dt. क्या बनेगा ये? dv / तो dv / dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? r d ओमेगा / dt. चलिए यहां मैंने वेक्टर नहीं लगाया तो क्या फॉर्म ले रहे इसका? मैग्नीट्यूड फॉर्म. कौन सा फॉर्म ले रहे इसका? dv upon dt. देख उधर क्या लिया हुआ है? एक्सेलरेशन. किसे डिनोट कर रहे हैं? a. सो a इज इक्वल टू r into alpha. सो वेयर अल्फा इज ऑन एंगुलर एक्सेलरेशन. अल्फा क्या है आपका? एंगुलर एक्सेलरेशन. सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन लिनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन. ये अगर हम लोग इसको इक्वेशन नंबर 1 मान ले, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान ले, तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 क्या रिप्रेजेंट कर रही है? इक्वेशन नंबर 1 क्या रिप्रेजेंट कर रही है? दिस इज द लिनियर रिलेशन बिटवीन लिनियर वेलोसिटी एंड this is relation between linear acceleration and angular acceleration. clear? चलिए हम लोग भी इसके radial acceleration, centripetal acceleration भी समझे थे, याद होगे कुछ कुछ basic terms. तो acceleration का हम लोग ने equation बनाया था centripetal acceleration, याद है क्या? अबे centripetal acceleration, so centripetal acceleration का और एक नाम, it is also called as radial acceleration. क्या कहते हैं इसको? radial acceleration.
याद करिए हम लोग ने पूरा डेरिवेशन सॉल्व करने के बाद में हम लोग ने इक्वेशन बनाई थी बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, याद आया कुछ? चलिए तो ये जो एक्सेलरेशन होता है ये एक्सेलरेशन क्या, कौन सा एक्सेलरेशन होता है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। कौन सा एक्सेलरेशन होता है ये? और ये अगर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है तो फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल सॉरी फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। जनाब ये कहां से आता है? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। कहां से आता है ये? Force is equal to mass into acceleration and we have the equation for A, so where A is your centripetal acceleration. तो जब ये A यहाँ put कर किया जाएगा, तो ये जो force है, ये force किसमें बदलेगा? Centripetal force. किसमें बदलेगा ये? क्योंकि अभी general तौर पे अगर मैं इसको देखूँ तो ये क्या मेरा एक general force है जो Newton second law of motion से आता है. और Newton second law of motion क्या कहता है? Rate of change of linear distance. याद है क्या? Rate of change of linear momentum with respect to time is directly proportional to the external applied. अब वो पूरा डेरिवेशन सॉल्व करने के बाद में एक फाइनल इक्वेशन हमारी ये बन के आती है दैट इज फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। और यहां फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन है, ये एक्सेलरेशन है, ये एक्सेलरेशन कौन सा एक्सेलरेशन है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और जब ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन यहां पुट किया जाएगा तो ये जो फोर्स बन के आएगा वो फोर्स कौन सा होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स। कौन सा फोर्स होगा? सेंट्रीपिटल है इसलिए सी पी पी से डिनोट करेंगे, फोर्स है इसलिए एफ, मतलब एफ सी पी। सो सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू एम एज इट इज, और ए क्या है तेरा? बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर अपॉन। तो याद करिए ये सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला है। So this is a formula for centripetal. This is a formula for centripetal force where this is mv square divided by r. But देख again अगर v is equal to r omega है, देख अच्छे से हमारे पास में v is equal to क्या है? R omega. V is equal to r omega. अब जब v is equal to r omega मेरे पास में यहाँ है तो मैं centripetal force के और एक दो formula अगर बनाने की कोशिश करूँ तो कैसे बनेगा? So it's a m upon r जैसे का वैसे रख दिया मैंने, v square है तो v is equal to r omega. v is equal to r omega है ना? फॉर्मूला फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स। और इन दोनों फोर्सेस में जो जितने भी आपने यहाँ इक्वेशन बनाई है सारे इक्वेशंस में अगर मैं फिर से माइनस और माइनस लगा दू तो ये फोर्स कौन से कहे जाएंगे? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कौन से फोर्स कहे जाएंगे? बिकॉज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में डायरेक्शन इज टुवर्ड द सेंटर बट इन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डायरेक्शन इज अवे फ्रॉम द सेंटर। एंड व्हाट इज इट स्टैंडर्ड डेफिनेशन फॉर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स? द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल विच इज परफॉर्मिंग द सर्कुलर फोर्स विच इज अलॉन्ग द रेडियस एंड डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। So it is called as a centripetal force. Again, David, what is centripetal force? The force which is acting on the particle performing circular motion, which is along the radius and directed toward the center of the circle. So it is called as a centripetal force. Directed away from the center, kaha jata hai? Centrifugal force. Agar main yahan se centrifugal force ki agar main yahan se definition ya equation banao, to CF kahenge hum log kyunki centrifugal hai. CF से डिनोट करेंगे फोर्स है इसलिए F, तो F CF सो दैट इज अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू पहले फॉर्मूले के हिसाब से माइनस mv स्क्वायर अपॉन r, वेयर नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट दिस बोथ द फोर्सेस आर इन अ अपोजिट डायरेक्शन। ये दोनों फोर्सेस किस में होंगे? अपोजिट डायरेक्शन। और यहां से फिर से एक फॉर्मूला मैं बना लूं तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू अगेन दिस इज माइनस mr ओमेगा minus mr omega square. So both are the formulas for centrifugal force. Kiske formula ho gayi hai? Centrifugal force. In centripetal force and centrifugal force, the angle E between these two is 180. Angle kitna hoga? 180. Kyunki agar centripetal idhar bhag raha hai to centrifugal kya uske exactly idhar bhagega? अगर दोनों के फोर्सेस के बीच का अगर मैं एंगल देखूं तो एंगल कितना होना है? 180. एंगल कितना हो जाएगा? 180. इट मींस दैट बोथ द फोर्सेस आर इन अपोजिट डायरेक्शन वेयर नेगेटिव साइड। यहां पे देखिए यहां नेगेटिव लगा दिया हम लोग ने, यहां नेगेटिव लगा दिया बट मैग्नीट्यूड दोनों का क्या है? सेम। मैग्नीट्यूड दोनों का क्या आ गया? क्योंकि यहां जो मैं मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करूंगा और यहां जो मेरा मैग्नीट्यूड आएगा क्या दोनों मैग्नीट्यूड सेम आएंगे? और जब दोनों मैग्नीट्यूड सेम आएंगे बट देयर इज अ नेगेटिव साइन वेयर नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट बोथ द फोर्सेस आर इन अपोजिट डायरेक्शन। ये दोनों फोर्सेस हमेशा क्या होंगे? एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन से होंगे। और ये कौन बता रहा है? ये बता रहा है नेगेटिव साइन। सो वेयर नेगेटिव साइन फ्रॉम दिस इक्वेशंस शोस दैट दीस आर इन अपोजिट डायरेक्शन।
डायरेक्शन, ये दोनों फोर्सेस एक से क्या है अपोजिट डायरेक्शन में, क्या क्लियर है। और यहाँ पे हम लोग ने कुछ सेंट्रीपिटल फोर्स की कुछ कुछ प्रॉपर्टी आप हम लोग ने देखी थी कि भैया क्या सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स नेसेसरी है, और अननेसेसरी फोर्स कौन सा है हमारा। देखो बहुत सारे बेसिक चीजें हमारे पहले हो चुके हैं, मैं उसको बस रिकॉल करा के दे रहा हूँ थोड़ा थोड़ा, ठीक है भैया। दो प्रकार के फोर्सेस होते हैं, एक रियल और एक इमेजिनरी। द फोर्स व्हिच इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ टू और मोर बॉडीज, सो इट इज कॉल्ड एज एंड द फोर्स व्हिच इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू विदाउट इंटरेक्शन ऑफ टू और मोर बॉडीज, सो दैट इज कॉल्ड एज। तो यहां से रियल फोर्स कौन सा होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स इज अ रियल एंड इट इज अ नेसेसरी फोर्स फॉर द पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर, ये एक नेसेसरी फोर्स है फॉर द पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, क्लियर। और जो अगर नेसेसरी फोर्स है तो जो रियल फोर्स है और जो इमेजिनरी फोर्स है, रियल फोर्स और इमेजिनरी फोर्स में हम लोग ने फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिया था, तो दो प्रकार के फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और दूसरा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगर मैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करूं तो कौन सा फोर्स आएगा, सेंट्रीपिटल। कौन सा फोर्स आएगा, सेंट्रीपिटल। और इस इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जहां पे न्यूटन का पहला लॉ काम करता है, क्लियर। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच द न्यूटन फर्स्ट लॉ इज ऑबेड, या न्यूटन फर्स्ट लॉ इज वर्किंग, उसको कहते हैं हम लोग इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और न्यूटन का पहला लॉ क्या कहता है कि भैया ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो कंटिन्यूस किस में होना चाहिए, मोशन में, अगर रेस्ट में है तो कंटिन्यूस रेस्ट में होना चाहिए, ये कहता है न्यूटन का फर्स्ट लॉ, ठीक है। सो इट मींस दैट कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस न्यूटन का पहला लॉ काम करता है, उसको कहते हैं हम लोग इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और जहां न्यूटन का पहला लॉ काम नहीं करता उसको कहते हैं हम लोग नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ। तो यहां इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन सा होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, ये क्या होगा हमारा, सेंट्रीपिटल फोर्स इज अ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ। इट मींस दैट इसका अगर हम लोग सेंटेंस बनाएं तो सेंटेंस होगा कि भैया सेंट्रीपिटल फोर्स इज वर्किंग ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज वर्किंग ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसमें वर्धन कितना होता है, जीरो। वर्धन कितना होता है, जीरो। व्हाई द वर्धन इज जीरो, बिकॉज़ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल बट इट इज नॉट डिस्प्लेस अलोंग द रेडियस, दैट्स व्हाई द डिस्प्लेसमेंट कितना उसका, जीरो। और वर्धन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्धन क्या होता है, फोर्स इनटू, और अगर आपका वर्धन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट ही जीरो है तो वर्धन कितना हो गया, जीरो। तो वर्धन इज जीरो इन द सेंट्रीपिटल फोर्स एंड दीस आर द बेसिक इंट्रोडक्शन फॉर द रोटेशनल डायनामिक्स। समझा गया, चलिए।